हे गाइस, वेलकम टू वेल्थ देखो डॉट कॉम। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि स्मॉल केस के ऊपर, जो भी प्रीमियम स्मॉल केस होते हैं उसके ऊपर आप फीस अपनी कैसे सेव कर सकते हैं, कब यहां पे आपको अपना सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, किस डेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, स्मॉल केस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, नहीं देखे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए जैसे हाई डिविडेंड हिल प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन बाय द ग्रीन पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 30 जुलाई को यहाँ पे जो है मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है और अभी आज 14 अगस्त हो रखा है। तो गाइस जब भी आप किसी भी स्मॉल केस को यहाँ पे मान लीजिए आपका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो स्मॉल केस है वो अपने आप यहाँ पे सेल आउट हो जाएगा, जबकि गाइस ऐसा नहीं होता। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 30 अप्रैल को यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था और अब भी मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो स्मॉल केस है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे जो भी जितने भी ये जो 20 स्टॉक्स हैं उसमें से कोई भी फेरफार नहीं हुआ है, कोई भी बाय एंड सेल नहीं हुआ। अब गाइस बात करता हूँ कि इसके ऊपर आपको फीस कैसे सेव करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप इसका ओरिजिनल स्मॉल केस देखेंगे, फैक्ट शीट इसकी जाके चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं लास्ट रिव्यू हुआ था ये 12 जून को, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी जो रिव्यू होने वाली है वो 1 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। अब गाइस अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो आप देख सकते हैं 6 महीने की फीस है 3,540 रुपये, ठीक है, और 12 महीने की है 5,900। तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को टिप देना चाहूंगा कि कभी भी कोई सा भी स्मॉल केस क्यों ना हो उसको कभी भी 12 महीने के लिए मत खरीदो। सबसे पहले उसका ट्रायल पीरियड लो, ट्रायल इन द सेंस भले आपको पैसा पे करना पड़े, तो जैसे 6 मंथ्स का ट्रायल हो गया वो तो सबसे पहले वो लो अगर आप न्यू बिगनर्स हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपने स्मॉल केस को सब्सक्राइब कर लिया है, अब आपको पता है कि उसकी डेट कब आने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता है कि 16 सितंबर 2021 को यहाँ पे ये नेक्स्ट रिव्यू होने वाला है जिसके अंदर सिर्फ यहाँ पे 1 महीना बचा हुआ है। तो गाइस आपको ये वाला जो स्मॉल केस है यहाँ पे वो अभी सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जब रीबैलेंसिंग का पीरियड देखोगे तो ये क्वार्टरली बेसिस पे रीबैलेंस होता है। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल जैसे अगर मेरा भी सब्सक्रिप्शन खत्म भी हो गया है, अगर मैं इसको यहाँ पे रीएक्टिवेटेड भी करा लेता हूँ, 6 महीने की मैं यहाँ पे फीस भी पेड कर देता हूँ, तो उसके बाद भी मुझे 1 महीने तक यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्मॉल केस है वो रिव्यू होने वाला है कब? 1 महीने बाद। तो गाइस बेटर चांसेस यहाँ पे क्या है कि आप हमेशा 1 महीने बाद भी जब भी रिव्यू होने वाली है, नेक्स्ट रिव्यू की आप डेट देख लीजिए, जब भी वो होने वाला है उसी टाइम पे यहाँ पे आपको जो अपना स्मॉल केस है वो यहाँ पे आपको रीसब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए शुरू के अंदर अगर आप बिगनर के अंदर ले रहे तो तब भी यहाँ पे आपको लास्ट रिव्यू डेट देखनी चाहिए कि ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर मान लीजिए क्वार्टरली बेसिस में रीबैलेंस हो रहा है और आपको पता है कि 10 से 15 दिन बचे हैं नेक्स्ट रिव्यू होने के अंदर, तो आपको हमेशा मैं ये रिकमेंड करूँगा जब भी नेक्स्ट रिव्यू की डेट आए उसी के 1 दिन बाद जस्ट उस स्मॉल केस को यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए। तो गाइस इससे क्या होगा, आप जैसे मान लीजिए अभी अगर मैं सब्सक्राइब कराता हूँ तो मेरा जो 1 महीना है वो फालतू के अंदर वेस्ट हो जाएगा। मतलब 6 महीने का प्लान है तो 6 महीने के अंदर मुझे पता है कि 2 बार ये अपडेट होने वाला है, 2 बार मेरे को क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पे रीबैलेंस बताने वाला है। तो गाइस 6 महीने की फीस पे आप इस तरीके से कीजिए कि वो जो दोनों अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, वरना क्या होगा अगर आपने बीच में सब्सक्राइब कर लिया तो आपका जो 6 महीने का पीरियड है वो बीच के अंदर खत्म हो जाएगा और हो सकता है आपको 2 बार रीबैलेंस अपडेट की जगह सिर्फ 1 ही बार ही रीबैलेंस अपडेट मिले, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन आपको वापस 6 महीने का लेना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से स्मॉल केस के ऊपर आप रीबैलेंस डेट के अकॉर्डिंग यहां पे चीजें देख करके अपना स्मॉल केस सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर अच्छी खासी यहां पे फीस सेव कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।